एक छोटे से गांव में बद्री नाम का एक लड़का था। वो शरीर से कुबड़ा था। अक्सर सारे लोग बद्री को देखकर हंसा करते थे। अरे देख कुबड़ा आ गया। ये कुबड़ा पनौती है, जिस दिन इसकी शक्ल देख लूं पूरा दिन खराब जाता है। इसको तो गांव से निकाल देना चाहिए। अक्सर लोग बद्री को इसी तरह खरी खोटी सुनाया करते थे। वो बेचारा किसी को कुछ ना बोलता। बद्री बेचारा इतना गरीब था कि वो रोज कमाकर रोज खाया करता था। मटके ले लो, मटके, मटके ले लो, मटके। बद्री एक कुम्हार था। वो खुद मटके बनाकर गांव से मंडी ले जाया करता था। रोज सुबह मंडी में वो मटकों की दुकान लगाया करता था। बद्री अपने काम से खुश था। उसे मटका बनाना और बेचना बहुत पसंद था। पर उसकी खुशी को ग्रहण लगाने के लिए अक्सर लखन और नवीन उसके ठेले पे आ जाते थे। कितने मटके बेचेगा पनौती? मुझे तो समझ नहीं आता कि इसके मटके लोग क्यों खरीदते हैं। क्योंकि मेरे मटके अच्छे होते हैं, हमसे जुबान लड़ाता है। इसको तो आज हम सबक सिखाएंगे। लखन और नवीन बद्री के सारे मटके तोड़ने लगे। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी। अरे ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत करके ये सब बनाया है, ऐसा मत करो। नवीन और लखन ने बद्री की एक न सुनी और उसके सारे मटके तोड़ दिए। बद्री रो रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो कल के खाने का क्या करेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब तो पूरा दिन बीत गया है, नए मटके तो बनाने में 2 दिन और लगेंगे, अब क्या करूँ मैं। बद्री सोच में डूब गया कि वो क्या करे, और इसी सोच में वो जंगल की ओर चलने लगा। जंगल में शायद कुछ फल वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आज का दिन तो कट ही जाएगा। खाने की तलाश में बद्री जंगल के अंदर जाने लगा। वो फलों को ढूंढते हुए नदी के किनारे चला गया। थोड़ी देर और अंदर जाने के बाद बद्री को मशरूम दिखे। इन मशरूमों से ही आज गुजारा करना होगा। बद्री ने कुछ मशरूम तोड़ लिए। पता नहीं ये मशरूम अच्छे हैं या जहरीले। तभी एक बड़ा मशरूम जादुई मशरूम में बदल गया। ये सारे मशरूम अच्छे हैं, कोई भी जहरीला नहीं है। मशरूम को बोलता देख बद्री परेशान हो गया। वो अपनी आंखें मीचने लगा। बद्री, मैं जादुई मशरूम हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। पर मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे तक नहीं है। वो तो है, तो ये लो। जादुई मशरूम ने बद्री के सामने ढेर सारे पकवान रख दिए। पकवानों को देखकर बद्री की भूख बढ़ गई और वो खाना खाने बैठ गया। बद्री ने पहली बार इतना सारा खाना खाया था, वो बहुत खुश था। पेट भर के खाना खाने के बाद, धन्यवाद जादुई मशरूम, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब से तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ पर चले आना, और ये लो। जादुई मशरूम ने एक टोकरी भर के खाना बद्री के सामने रख दिया। ये सब घर जाके खाना, हमेशा खुश रहो बद्री। धन्यवाद। खाना लेकर बद्री जैसे अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि लखन और नवीन वहीं खड़े थे। बद्री के हाथ में पकवानों की टोकरी देखकर नवीन ने वो टोकरी बद्री से छीन ली। कहाँ से चुरा के लाया ये पकवान? मैंने ये चुराया नहीं है। झूठ बोलता है ये। नहीं, इस चोर को तो सजा मिलनी ही चाहिए, इसे गांव से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। लखन ने बद्री के घर के बाहर जल रही मशाल को घर के अंदर फेंक दिया। अरे नहीं, मेरा घर, अरे नहीं, ऐसा मत करो। बद्री का घास का घर जलने लगा। बद्री फूट फूट कर रोने लगा। निकल जा, इस गांव को छोड़कर निकल जा। बद्री निराश हो गया और एक बार फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जादुई मशरूम के पास गया और रो रो कर पूरा किस्सा बताया। गांव वाले नहीं चाहते कि मैं गांव में रहूं। अब मैं कहां जाऊंगा, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं बद्री, ये तुम गलत सोच रहे हो। उन लोगों ने नफरत की वजह से तुम्हारा घर जलाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर उन लोगों ने मेरा घर जला दिया, अब मैं कहां रहूंगा। यहां रहो, हमारे साथ
हमारी दुनिया में। यहाँ कहाँ? जादुई मशरूम ने एक छोटे से मशरूम पर जादू किया और वो मशरूम एक विशाल मशरूम घर में बदल गया। ये देखो तुम्हारा अपना घर, यहाँ तुम्हें कोई सता नहीं सकता। तुम हमेशा की तरह मटके बनाओ और मंडी में बेचो। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे अदा करूँगा? हमने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया बद्री। हाँ, हम तो बस उस दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया ने तुम्हें दिया है। धन्यवाद। बद्री विशाल मशरूम घर में रहने लगा। बद्री ने जंगल में ही मटके बनाए और फिर मंडी में ले जाकर बेचने लगा। एक दिन मंडी से लौटते वक्त लखन और नवीन ने बद्री को देख लिया। जरूर जंगल में कुछ गड़बड़ है, चल इसका पीछा करते हैं। नवीन और लखन ने देखा कि बद्री एक विशाल मशरूम के घर के अंदर चला गया। अरे बाप रे, कुबड़े ने तो खजाना ढूंढ लिया, चल देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही नवीन और लखन ने घर में घुसने की कोशिश की, विशाल मशरूम की बेलों ने लखन और नवीन को जकड़ लिया और फिर उन्हें पटकने लगा। ये क्या? बचाओ बचाओ बचाओ! पटक पटक कर नवीन और लखन को जमीन पर फेंक दिया। दोनों उठकर भागने लगे। जादुई विशाल मशरूम घर ने दोनों को अच्छा सबक सिखाया। फिर कभी दोनों बद्री के आसपास भी नहीं भटके। जादुई विशाल मशरूम घर ने बद्री की जिंदगी संवार दी। जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो काफी रईस थे, उनकी कई सारी फैक्ट्रीज थीं और बंगले भी, पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा वकील जी को बोल दिया। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं, केवल वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है, पर सेठ जी आप तो अजय बाबा को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपने अपनी पूरी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और बेचारे भोले भाले विजय बाबा को बस एक झोपड़ी दी, ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है, वो जायदाद के लिए अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। पर छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ, मैं अपने सारे फैसले सोच समझ कर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे मरने के बाद तू विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद जयंत सेठ स्वर्ग से धार गए। इनके मरते ही वकील जी घर आए। सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय तुम्हारे नाम बस एक जंगल की छोटी सी झोपड़ी की है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जायदाद में ज्यादा हिस्सा ले लूं। अच्छा हुआ ये पूरी जायदाद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है, बाबा ने मुझे जो कुटिया दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भैया मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल नहीं रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तू वहाँ उस झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने आज्ञा दी थी कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा जा चला जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। पता नहीं सेठ जी ने ऐसा क्यों किया, एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी कुटिया। काका आप इतना मत सोचो, बाबा ने ये फैसला भी सोच समझ कर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही कुटिया के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। काका काका! जब मदन कुटिया के अंदर आया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुटिया अंदर से एक आलिशान महल था। बाहर से भले ही वो एक छोटी सी कुटिया हो, पर अंदर से वो राजमहल था। बाप रे, मैंने कहा था ना, बाबा ने फैसला सोच समझ कर ही लिया था। जी मालिक की बात तो अब समझ में आई है हमें। दोनों दंग होकर अपने नए महल का कोना कोना देखने लगे। भीतर एक बड़ा सा सिंहासन था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठ के दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय सिंहासन पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल राजाओं का सिंहासन है।
विजय जैसे ही सिंहासन पे बैठा उसके सामने एक जिन आ गया। क्या हुकुम है मेरे आका? जी 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 जिन। जी मैं एक जिन ही हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं समझा नहीं। आज लगभग 45 साल पहले तुम्हारे बाबा जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस समय वो इसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक दिन एक दूर का व्यापारी ये सिंहासन सेठ जी को बेच कर चला गया था। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कुछ महीनों पहले मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विजय इस सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे बेटे का भी जरूर साथ देना। उसे खुश रखना हमेशा। इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ मालिक। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। जो हुकुम मेरे मालिक। जिन ने विजय के सामने ढेर सारे पकवान हाजिर कर दिए, जो देखकर विजय और मदन दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इतने सारे पकवान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मदन और विजय दोनों पकवान खाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर आया। वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर दंग था। तो बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। तुझे ये जिन दे दिया जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दी। मुझे ये जिन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पहले मालिक ने इन्हें मेरा अगला मालिक बनाया है और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा ये बात है तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए मेरे मालिक को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी कमर, मेरी कमर। शायद इतना तुम्हारे लिए काफी है। अगर अगली बार मेरे मालिक के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? मैं समझ गया, समझ गया। मैं सेठ जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। वो ये पहले से जानते थे। हाँ उस दिन के बाद विजय और मदन अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे। ना उन्हें किसी बात की चिंता थी और ना ही किसी का डर।